हेलो एवरीवन, दिस इज़ मिस आमिया मलिक एंड वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। गाइस, मैं बाहर आई, मेरी कज़न कहती है मुझे पार्लर छोड़ कर आओ। मैंने कहा भाई तुमने पार्लर क्यों जाना, कहती है तुम्हें नहीं पता लड़कियां पार्लर मुंह की रगड़ाई करवाने जाती हैं। वुमेन हर मैंने उसको कहा भाई मैं तुम्हें छोड़ा थी, इतने में इनके घर के प्राइम मिनिस्टर की आवाज़ आई। वो कहती हैं तार ले आना जिस पे कपड़े डाल। मैंने कहा जी आपका हुक्म तो सर, अंकों पर इतने में मैं इसको लेके पहुंच गई। पार्लर पार्लर को इतना गंदा था, मुझे तो अपने काम वाली याद आ गई। याद है ना वो काम वाली गली? खैर, मेरी कज़न कहती है जब तक ये रगड़ाई करती है तुम जाओ तार लो ढूंढ लो। मैंने अपनी छोटी कज़न को लिया और मैं निकल गई मटर काश्त पे। और यहाँ पे मैं ढूंढ के 3-4 इस्लामाबाद की मार्केटें मैं फिर चुकी हूँ और मुझे अभी तक तार नहीं मिली थी। खैर, मैं एक जगह गई, वहाँ से एक अंकल से मैंने कहा कि मुझे तार कहाँ से मिली। अंकल कहते हैं यहाँ पे आके बेटा एक हार्डवेयर वाली दुकान है, वहाँ से आपको तार मिल जाएगी। खैर, मैं गई, तार वाला कहता है 280 की है। मैंने कहा क्यों ना 80 रुपया खुद रख लिया जाए, इतना घूमिए कोई खा पी लेंगे। खैर, 80 हमने खुद रख लिया, 200 की तार ले ली। और जब मैं पार्लर वापस गई उसको लेने के लिए, वो कहती है अभी तक मेरी रगड़ाई हो रही है तुम कर जाओ। मैंने कहा ठीक है, मेरी एक काम वाली है घर पे तो उसके मदद शदत करूँगी। ठीक है, मैं घर वापस जाती हूँ। मैं घर वापस गई, छोटी कज़न को उसके पास बिठाया, घर मेरी काम वाली काम कर रही थी। फिर मैंने उसकी थोड़ी मदद इमदाद की, जानते हैं ना आप, जो मेरी एक काम वाली है। खैर, फिर मैं घर वापस आई, मेरी जो वो सर्वेंट थी एक जो मैं पीछे छोड़ के गई हुई थी, मैंने उसके साथ थोड़ी हेल्प शेल्प की। मैंने कहा चलो कोई नहीं इंसान है। फिर मैंने उसे कहा जी माल्टे खाते हैं, माल्टे के लिए हमने एक मंगवाया चूरन, फ्रूट चाट चूरन, बहुत मज़े का होता है, इसके साथ माल्टा खाओ तो चस आ जाती है। फिर हमने माल्टे शाल्टे खाए, मैंने कहा चलो भाई तुम भी मज़े ले। और साथ ही मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये ट्रिक बताई जाए। उसके बाद पार्लर वाली मेरी बहन जो थी वो रगड़ाई रुकड़ाई करवा के आ गई थी, कहती है क्यों ना समोसे बनाए, ये आलू इसने रखे हुए थे। मुझे मेरी कज़न कहती है तुम्हारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, तुम ये आलू खा के दिखाओ मिर्चों में, लाल मिर्चों में डुबोट पा के। मैंने उसको डुबोट पा के खा लिया और मेरी ऐसे धुएँ निकल रहे थे, कानों की तरफ से धुएँ निकल रहे थे। खैर, मैंने एक आलू नहीं खाया, दो आलू खाए, क्योंकि जब मैंने पहला खाया उसने मेरी वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा मैं दूसरा कहूँ कि तुम मेरी वीडियो बना। उसके बाद ये समोसे बनाने में लगी हुई थी, मैं साथ इनके बस ऐसे ही उंगलियाँ दे रही थी इधर से उधर इधर से उधर, और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी। फिर मैंने भी इनके साथ मदद शदत की। मैंने कहा चलो जी मैं भी खेल देती हूँ। फिर मैंने इनके साथ ये जो ये पूड़ियाँ सी इनको क्या कहते हैं ये मैंने बनवाई, मुझे तो नाम भी नहीं पता। उसके बाद हमारा फन शुरू हो गया, अभी देखना गाइस चंगड़ियाँ आती हैं। फिर हमारा ये समोसे वगैरह डाल रही थी। खैर, इनके पास अलग अलग हमारे यहाँ पे टैलेंट पाया जाता है। ये पार्ट टाइम में यही जॉब करती है, जो मेरी तो जो रगड़ाई वो रगड़ाई करवा के आई थी पार्लर से, ये पार्ट टाइम यही जॉब करती है, समोसे का ठेला लगाती है। और फिर हमने चाय शाय पी, साथ समोसे वगैरह खाए, और ये रहे हमारी चाय, ये गर्मा गर्म चाय और साथ समोसे थे। और फिर रात को हमने खाई आइसक्रीम्स, और फिर मैंने वीडियोस वगैरह बनाए, थोड़े शिशके मारे। और उसके बाद ये व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता बस।